नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में घर के अंदर तीन डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप, संदिग्ध हालत में तीन लोगों की मौत। डीसीपी सिटी सहित थाने का फोर्स मौके पर मौजूद। युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला है, जबकि उसका 12 साल का बेटा और माँ कमरे में मृत मिले हैं। पुलिस हत्या के बाद आत्महत्या की जता रही आशंका। थाना न्यू आगरा भगवान टाकीज न्यू लायर्स कॉलोनी का मामला। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। सर, एक वाकया हुआ है नगला में, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को सुबह थाना न्यू आगरा में सूचना मिली कि लॉयर्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत एक घर में तीन लोगों का शव है। ये नौकरानी जब आज सुबह इस घर में घुसी तो इसने इस शव को देखा और इसने पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना न्यू आगरा पुलिस, SHO, ACP और स्वयं मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि इस घर में कुल चार लोग, पति पत्नी, इनकी माँ और इनका 12 वर्षीय बेटा रहता था। तरुण चौहान जो इस घर के ओनर हैं, उनकी पत्नी कल किसी काम से दर्शन के लिए, ऐसा बताया जा रहा है, कि खाटू श्याम जी गई हुई हैं और बाकी जो तीन लोग हैं, इन तीनों का शव मिला है। तरुण चौहान का शव हैंगिंग पोजिशन में मिला है, फंदा लगा के इन्होंने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुसाइड करने की घटना कारित की है और बाकी दोनों, इनकी माँ और इनके बेटे का शव अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये पॉइजनिंग करके सुसाइड करने का मामला प्रतीत हो रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर है और थाना न्यू आगरा के द्वारा आवश्यक अधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।